हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी रेमेडी का यूज़ करने वाली हूँ जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है और काफ़ी इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसे मैं पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। जी हाँ, तो आज मैं अपने फेस पर फ्रोजन कुकुम्बर का यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसे कैसे रेडी करना है और फिर मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका और इसके स्किन बेनिफिट्स बताऊँगी। सो इसके लिए मैंने एक फ्रेश कुकुम्बर लिया है और उसको हाफ कट करके फ्रीज़र में रख दिया था, और ये मैंने किया था रात में, मीन्स ओवरनाइट मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था और फिर सुबह उठ के मैंने इसे अपने फेस के लिए यूज़ किया है। तो इसे मैं रब करूँगी अपने फेस पर एंड अपनी आईज़ पर। बहुत से लोगों को आईज़ पफिंग की प्रॉब्लम रहती हैं, आँखें सूजी सूजी सी लगती हैं, फेस पर स्वेलिंग रहती है, तो ये फ्रोजन कुकुम्बर आईज़ से पफिनेस को दूर करता है। जिनके फेस पर लार्ज ओपन पोर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि ये पोर्स को डीपली क्लीन करता है प्लस लार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, फेस को ब्राइटन अप करता है और फेस को कूलिंग पहुंचाकर एक्ने की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, सनबर्न को ये हील करता है। समर में काफ़ी अच्छा होता है ये चेहरे के लिए। वैसे तो आप इसे किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मॉर्निंग में यूज़ करते हैं तो ये आपके फेस पर बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। सुबह उठते ही जो आपके फेस एंड चेहरे पर स्वेलिंग दिखती है, चेहरा सोया सोया सा लगता है, तो इसे मॉर्निंग में यूज़ करने से आपका चेहरा दिन भर फ्रेश दिखेगा। क्योंकि मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ और मुझे जो मॉर्निंग में उठकर अपने फेस पर फ्रेशनेस चाहिए होती है तो वो मुझे इसे यूज़ करने से ही मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्रोजन है और जब आप आइस क्यूब लगाते हैं तो भी आपको ऐसा ही फील होता है। बट इसमें आपको इसके साथ कुकुम्बर के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपकी स्किन को, तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। और इसे यूज करके आप भी अपने फेस से ब्लैमिश, लार्ज ओपन पोर्स एंड पफिनेस को दूर कर सकते हैं। सो आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखना, 15 डेज तक यूज करके देखो, आपको खुद ही इसके कमाल के रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। सो ट्राई जरूर करके देखना एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट्स में। सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।